आदमी को निराश कभी नहीं होना चाहिए, जब तक उम्र है, जब तक जिंदगी है, जब डट के मुकाबला करना चाहिए, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। आज यहाँ से मेरे को मिली, हर परिस्थिति में इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, बस कामयाबी मिलती है। मैं कटनी का हूँ, मेरा नाम विनय जैन है, श्रीमती जी का नाम अभिलाषा जैन है, बेटी का नाम आशिका जैन है। मुझे 2012 में यहाँ की जानकारी मिली थी, मैं 2013 में यहाँ दिखाने आया था। ये तो हमें बचपन से ही तो पता था, 10 महीने की तभी से मालूम था, ये 6 माह 10 दिन की मतलब फ्री विल डिलीवरी कारण हुई, फ्री नेचुरल डिलीवरी है इस कारण से, क्योंकि ना जी करवट लेके थी, ना उठती थी, ना बैठती थी, कुछ नहीं कर पाती। बस मन में एक ही जानकारी थी, कहीं भी कुछ भी डिटेल मिले बस उसको खड़ा कर दी, अपने आप में ये चलने लगे, अपने पैरों में खड़ी, इसलिए मैं हर जगह इसको लेके जाती थी, क्योंकि बच्ची है, आने वाला भविष्य कौन संभालने वाला, हम लोगों की उम्र ढलने में थी, इसलिए ज़्यादा चिंता थी। उस समय तो घसीटती थी, न बैठ पाती थी, न चल पाती थी, पैर कैंची फंसा के खड़ी होती थी। तो मैंने जबलपुर का ट्रीटमेंट किया, सभी जगह भोपाल का, जबलपुर का, विशाखापट्टनम का, कहीं पूना भी गई, लेकिन इसका हमको एड्रेस 2012 में मिला, दिसंबर 2012 में। सब कुछ कहते थे, लेकिन जहाँ जहाँ के एड्रेस मिलते थे वहाँ वहाँ जाती थी, लेकिन त्रिशला का एड्रेस मुझे बहुत दिन बाद मिला। जब त्रिशला का एड्रेस मिला तब मैं आई यहाँ पे 2013 में। यहाँ आने के बाद ऑपरेशन किया, 10 माह में यहाँ रहा, 10 माह में मेरे को काफ़ी अंतर मिला, मेरी बच्ची घसीटती थी, आज 10 महीने के बाद मेरी बच्ची बाकर से चलने लगी थी। 1 साल के बाद मैं दोबारा फिर आया हूँ, डॉक्टर साहब ने फिर घुटने का ऑपरेशन किया, इसके घुटने ऊपर चढ़े हुए थे, अब वो नीचे उतर आए हैं, अब अपने आप में ये खड़ी होने लगी है। अब आने वाले समय पर डॉक्टर साहब का कहना है कि बिना वॉकर और बिना सूच के अभी दोबारा आया तो सब लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिया। गैस सिलेंडर नहीं लेके आया था तो मेरे को यहाँ से कन्नो भैया ने गैस सिलेंडर लेके दिया, अपना गैस सिलेंडर सपोर्ट किया, रूम दिलवाया, घर बैठे उन्हें पूरे काम करवाए, इसलिए मेरे को यहाँ से कोई तकलीफ नहीं है, ना इधर का स्टाफ दिक्कत वाला है, ना यहाँ के डॉक्टर है, सबका सहयोग बराबर है। भाई घर वाले यही कहते थे भैया कहीं ना कहीं इसका इलाज करवाओ, जहाँ होता था वहाँ करते थे, घर वालों ने फुल सहयोग दिया, पैसे की कोई बात नहीं रही। नहीं तो बहुत से लोगों में ये होता है, इतना पैसा लगा रहे हो आप और कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, यहाँ जाने से क्या मतलब है, वहाँ जाने से क्या मतलब, लेकिन हमारे घर वालों ने हमारा फुल सपोर्ट किया। सबको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए सबको, क्योंकि अपन जब तक मजबूत है तो बच्चा भी मजबूत बनेगा, यही सोचते हैं, यही सोचते हैं, और से करना चाहती हूँ मैं सब, मेरा कहना जो जैसी मैं हूँ मैं उस टाइप का इसको बनाना चाहती हूँ। बनाने के बाद अपना बिजनेस है, कोई भी काम करेगी, घर बैठ के अपना दो पैसा कमाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी में भेज देंगे। मैं तो ये बोलती हूँ कोई डॉक्टरों को दिखाने से भी इतना कोई फायदा नहीं मिला जितना मुझे यहाँ आने से, और जिसको भी ये एड्रेस मिले तो यहीं आना चाहिए। जो लोग कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है, ना इलाज है, इसका इलाज है सीपी है, लेकिन डॉक्टर अच्छा मिले, उसकी जानकारी हो जिनको, वहाँ इलाज करवाना चाहिए। पैसा तो हर जगह लगता है, लेकिन यहाँ लोगों को समय लगता है, और लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है लोगों को समय निकालना चाहिए, यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं यही कहूँगा यदि किसी का इस टाइप का बच्चा है, एक बार इलाहाबाद आके डॉक्टर जैन को दिखा के, संपर्क करके, उनकी सलाह मान के उसका ट्रीटमेंट जरूर करो। लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट है, अच्छा ट्रीटमेंट है, ये तो मानना पड़ेगा। 100% सही नहीं होएगा बच्चा, लेकिन 50% 75% बच्चा जो है अपने आप में चलने लगेगा, अपने काम काम करने लगेगा। हम तो ये मानते हैं कि बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, हम 100% मानते हैं, हम चाहते हैं
कि मैं अपनी बेटी को अच्छा करना चाहती हूँ, करने से होता है और आगे सभी को यही सोच के करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा काम बना।